राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लायंस क्लब कोहिनूर के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब कोहिनूर के अध्यक्ष लायन आयुष विजय ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि प्रतिदिन स्वयं से साक्षात्कार करके अपने आप को जाने तथा स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग का अनुसरण करें। डॉक्टर टीकम चंद ने कहा कि अच्छी पुस्तकें पढ़कर जीवन में सदी विचारों को अपनाए हैं। उन्होंने छात्राओं से पूछा कि आपको हार कर जीतना है या जीत कर हारना है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद पर एक व्याख्यान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान निशा राजपूत, द्वितीय स्थान मधु शर्मा व तृतीय स्थान अमीषा सैनी ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका डॉक्टर संजय शर्मा, रतिराम कक्कड़, रेणु विजय ने निभाई। विजेता छात्राओं को लायंस क्लब कोहिनूर की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर लॉयन ममता शाहरा, लॉयन अंजू सेठी, लॉयन निकिता शाहरा, लॉयन प्रीति सेठी, लॉयन गायत्री सेठी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी पूर्णिमा भार्गव, गणेश शर्मा, डॉक्टर लोकेश शर्मा, डॉक्टर बीता शर्मा, प्रियंका खंडेलवाल, तनुजय शर्मा, ऋषि कुमार सोनी, लखन कुमार सेनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रमेश चंद सेनी ने किया। साथ ही लॉयन गायत्री सेठी ने बताया कि कल लॉयंस क्लब के संस्थापक मेल्विन जोन्स की जयंती पर अन्नपूर्ण दिवस कार्यक्रम के तहत इंदिरा रसोई पर प्रातः का भोजन लॉयंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर के सौजन्य से एवं शाम का भोजन जोन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर सुमेश विजय की ओर से निःशुल्क दिया जाएगा।